आपके डॉग के जो थ्रोट है, गला, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और जान को खतरा भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ इसका यूज़ मत करना अपने डॉग के ऊपर, क्योंकि मैं इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं। ये देखो गाइज, जब इस तरीके से हमारा डॉग आगे जाता है तो आगे में डॉग दिख गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका डॉग आपको खींच सकता है। तो ये सिचुएशन में भी आपको चोक चेन की। सगा मंडली, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है आदित्य वालेरा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो। तो गाइज, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस चोक चेन के बारे में, मतलब ये हमारे डॉग में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना है तो किस तरीके से यूज करना है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके डॉग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप अगर हमारे इस वीडियो के जरिए हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे बताने देगा इनको, तुझे सीखना है क्या? नो, स्टे। ये देखो भाई, ले, पहले तू ही देख ले, ले। देख लिया? अभी बस हो गया। और ये इस तरीके की चोक चेन रहती है, तो ये रिंग है, ये रिंग में से चेन को ऐसे डालना है और इस तरीके से इसको राउंड करके हमें डॉग को पहनाना होता है। तो अभी मैं आपको मेरे हैंड पर बताऊंगा। ये आपके डॉग की गर्दन है, ठीक है, और आप इस साइड से चल रहे हो, तो ये साइड जो है, ये साइड जो है, ये ऊपर के साइड में जाइए, ठीक है। मतलब आपने खींचा और ढीला छोड़ दिया तो ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। और अगर इस साइड से रहेगा, अगर आपने खींचा और रिलीज होने के बाद ये देखो लॉक ही रहेगा, तो इसकी वजह से ना आपके डॉग के जो थ्रोट है, गला, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और जान को खतरा भी हो सकता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में पूरा, तो आप प्लीज़ इसका यूज़ मत करना अपने डॉग के ऊपर, क्योंकि मैं इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता, बट जिसको जिसको नीड है, जिसको अपने डॉग वेल ट्रेन करना है, वही लोग यूज़ करते हैं, और 99% ट्रेनर लोग यही यूज़ करते हैं। बट मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ यूज़ मत करना। तो अभी जिस तरीके से मुझे देखो वीडियो बनाने नहीं दे रहा है, तो इसको डिसिप्लिन सिखाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। अभी देखना, सिर्फ एक्शन ही किए मैंने, बैठ गया चुपचाप। अभी तक देखा आपने किस तरीके से मस्ती कर रहा था, तो कहाँ पे था मैं? अगर आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो आप प्लीज़ इसको यूज़ मत करना, क्योंकि इसके वजह से आपके डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इसको प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है तो। मेरे हिसाब से एनिमल क्रुएल्टी में भी नहीं आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप बचपन में स्कूल में मस्ती करते थे या फिर आप होमवर्क नहीं करके आते थे, तो आपको पता है आपकी टीचर हाथ पे स्केल मारती थी ज़ोर से, उससे तकलीफ होती थी ना आपको, तो आप उस डर से होमवर्क भी करके आते थे और मस्ती भी नहीं किया करते थे। तो उसी तरीके से ये भी यूज़ में आता है। अगर ये आप चोक कर रहे हो, ये ऐसा चोक हो गया, तो इसकी वजह से आपके डॉग को थोड़ी सी तकलीफ होती है, और उसको अगर आपने कमांड दी तो फिर आपकी कमांड मानना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये चोक होने का तो हमें तकलीफ होती है। तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया टूल है आपके डॉग को ट्रेन करने का। तो अभी मैं इसको ड्रेको पे लगा के दिखाऊंगा। ड्रेको, तो ये देखो, अगर आप अपने डॉग को, अगर आपका डॉग राइट साइड में है इस तरीके से, तो ये जो है ये ऊपर के साइड में रहेगा इस तरीके से, ताकि अगर आप वॉक कर रहे हो और ये ऐसे चोक हो गया तो इजीली रिलीज हो सके। अगर आप लेफ्ट साइड में है आपका डॉग आपके, और ये ऊपर साइड में ही है, तो ये देखो ऐसे चोक किया तो चोक ही रहेगा, रिलीज नहीं होगा। अभी तो ये हो रहा है क्योंकि इसमें लीच लगी हुई नहीं है,
बट अगर आप फोर्स की वजह से अगर आप ऐसे इसको लेके चलेंगे ना, ये चौक का चौक ही रहेगा। तो गाइज आपने देख लिया कि चौक चेन किस तरीके से यूज़ होती है। बाकी का मैं आपको जब इसको वॉक पर लेके जाऊंगा ट्रिक को, तो जब वॉक पर जाऊंगा तब आपको वॉक कराते कराते समझाऊंगा कि वॉकिंग के टाइम पे हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। देखो बहुत से लोगों को है ना, मतलब बहुत से लोग ऐसा है कि इसको बोलते कि इलीगल है इसके, इसको मतलब चौक चेन के वजह से डॉग को तकलीफ हो सकती है, मतलब ये एक एनिमल क्रुएल्टी का प्रकार है। तो गाइज ये मैं नहीं मानता, क्योंकि ये जो है ना एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको अपने डॉग को वेल ट्रेन कराना है, अगर आपको अपने डॉग को डिसिप्लिन सिखाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा टूल है ये आपके डॉग के लिए। तो गाइज आप देखते होंगे जब हम वॉक पर लेके जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के जो डॉग है वॉकिंग करते टाइम ओनर को ही खींचते हैं, इतना प्रेशर लगाते हैं जब चलते टाइम कि उनके ओनर ही ऐसे खींचे जाते हैं। तो उसको डिसिप्लिन नहीं बोलते। प्रॉपर डॉग डिसिप्लिन में चलना चाहिए। जब हम वॉक करते हैं तो हमारा डॉग हमारे साथ में वॉक करना चाहिए। और सपोज आप उसको ढीला भी छोड़ रहे हो, वो थोड़ा सा आपके आगे भी जा रहा है, तो उसने आपको खींचना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ आगे जा सकता है, इधर उधर जा सकता है, उतना तो भाई वो फ्री है क्योंकि वो लीश में है, तो वो तो उतना कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हम हर बार उसे हमारे कमांड में नहीं रख सकते। तो वो आपका डॉग है ना आगे भी जा रहा है, तो उसने आपको खींचना नहीं चाहिए। उस टाइम पे आता है चौक चेन का काम। तो उस टाइम पे अगर हम उसको खींचेंगे तो वो चेन चौक हो जाएगी, उसको बोलेंगे नो, वो समझ जाएगा। दूसरी बात, जाइंट ब्रीड है, वो बिग साइज के डॉग रहते हैं, तो ये लोग का फोर्स बहुत ज़्यादा पावर रहता है, उनको हम लोग नहीं संभाल पाते। तो उस टाइम पे ना वो चोक चेन के वजह से वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो ही चोक चेन यूज़ करना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। बट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो गाइज आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही चोक चेन यूज़ करना है तो कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चोक चेन यूज़ करो, अगर प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद अगर आपको लगता है कि चोक चेन यूज़ करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। अभी तो आप इतना समझ गए होंगे, बाकी का मैं आपको जब वॉक पे लेके जाऊंगा इसको, तब वॉक कराते कराते समझाऊंगा प्रैक्टिकली। तो अभी इसको मैंने कमांड दी थी कि ये मस्ती बहुत कर रहा था, ये मुझे वीडियो ही नहीं बना दे रहा था। तो देखो जब से बैठा हुआ है मुझे वीडियो बनाने दिया और अभी तक उठा नहीं, देखो। और गाइस ये जो चेन है ना, ये सिर्फ मैं जब वॉक पर जाता हूँ या फिर इसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ उसी टाइम पे यूज़ करता हूँ, बाकी के पूरे टाइम इसके गले में कुछ भी नहीं रहता है। मुझे मेरा डॉग है ना विदाउट कॉलर विदाउट चोक चेन ही ऐसा अच्छा लगता है। मैं इसको दिन भर बांध कर भी नहीं रखता, ये दिन भर है ना खुला रहता है ना ड्रेको, है ड्रेको। इसने क्या किया था बताया, दो दिन पहले इसने मेरी चप्पल, जो पुरानी चप्पल है वो पूरी तोड़ दी थी, और तोड़ के ना उसके टुकड़े पूरे खा लिए थे। और दो दिन बाद आज इसने पोटी करी, तो पोटी में ना पूरी चप्पल के टुकड़े निकले। अच्छा हुआ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो पेट भी ख़राब हो सकता था। अभी देखो ये फिर से मस्ती करने लग गए। ड्रेको नो, नो नो बैड हैबिट। अच्छा बच्चा है तू, डिसिप्लिन में रहे। ये देखो ऐसे ट्रेन करना पड़ता है। ये देखो मेरा अच्छा बच्चा, ये पहले छोटा था ना तो ये नहीं समझता था, बट अभी धीरे धीरे ना इसको थोड़ा थोड़ी समझ आने लग गई है। मैं इसको जैसे जैसे उसको सिखाते जा रहा हूँ ये वैसे वैसे सीखते जा रहा है। तो देखो फिर से मस्ती स्टार्ट हो गई, निकाल दे रहा हूँ, रुक जा। ए निकाल दिया, ड्रेको की चोक चेन निकाल दिया, डाल दूँ क्या। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक के लिए, ड्रेको का खाना अभी जस्ट हुआ है, तो खाना खाने के बाद ड्रेको को मैं वॉक पर लेके जाता हूँ। तो ये रही इसकी चोक चेन, ड्रेको खुद आता है।
चोक चेन पहनने के लिए। क्या हुआ रे, रुक। ये देखो गाइज, जब इस तरीके से हमारा डॉग आगे जाता है तो ये चोक चेन इस तरीके से उसके यूज़ में आती है। और देखो गाइज, जो चेन का पार्ट ऊपर में है तो उस हिसाब से मैंने ड्रेको को लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। और अभी मैं जिस साइड में आया हूँ ये चोक चेन के हिसाब से उल्टा साइड हो गया है, क्योंकि अगर उल्टे साइड से अगर आप यूज़ करोगे तो ये अगर चोक हो गया तो ये जल्दी से रिलीज़ नहीं हो सकता। अगर वही चीज़ अगर मैं सही तरीके से यूज़ करूँगा तो ये देखो चोक भी हो रहा है और रिलीज़ भी हो रहा है। ये देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मुझे खींचता नहीं है, तो ये पहले मुझे खींचता था, बट ये चोक चेन के वजह से ना मैंने उसको थोड़ा ट्रेन करके रखा है। आपको जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये अगर फास्ट चला तो मैं इसको कैसे चोक करके इसकी स्पीड कम कर लेता हूँ, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसको पता चलता है कि हमें हमारे ट्रेनर के साथ ही चलना है। तो ये देखो, मैं इसको आगे जाने दे रहा हूँ बट वो मुझे फोर्सफुली खींच नहीं रहा है। और आप चोक चेन को ना इस तरीके से यहाँ से भी लॉक कर सकते हो, जिससे ये चोक चेन चोक नहीं होगी। ये देखो लॉक हो गया है। अभी देखो उसको आगे में डॉग दिख गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका डॉग आपको खींच सकता है। तो ये सिचुएशन में भी आपको चोक चेन की ज़रूरत पड़ सकती है। चलो चलो। तो गाइस, मैं चोक चेन से रिलेटेड एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे एक पर्सन का कमेंट दिखा, तो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। तो ये है वो स्क्रीनशॉट, आप पढ़ लेना। और उसमें क्या बोला हुआ है, वो बोल रहे कि हमने हमारे फर्स्ट डॉग पर चोक चेन यूज़ की थी और मेरे डैड सारे डॉग्स पर चोक चेन यूज़ करते थे, तो वो बहुत ही अच्छे डॉग्स बने, और हमने कुछ डॉग्स पर चोक चेन यूज़ नहीं की तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक बने और हमारी कुछ भी नहीं सुनते थे। तो अभी हमारे पास 2 मंथ्स का पपी है और अभी हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर वो चोक चेन यूज़ करे, और आई होप कि वो चोक चेन उस पर हेल्प करे। तो ये था उनका कहना। तो आई होप गाइज, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे चोक चेन के बारे में, और जिन लोगों को पता नहीं था कि चोक चेन एक्चुअल में यूज़ किस लिए होती है तो उनको भी पता चल गया होगा। तो गाइज, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये एनिमल क्रुएल्टी है, तो गाइज आप लोगों को समझ गया होगा कि ये एनिमल क्रुएल्टी है या फिर डॉग ट्रेनिंग का पार्ट है। तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एनिमल क्रुएल्टी को प्रमोट नहीं करता हूँ, और गाइज मैं किसी डॉग को मेरी वजह से तकलीफ हो ये मैं सोच भी नहीं सकता। और जो लोग भी, जो ट्रेनर लोग चोक चेन का यूज़ करते हैं और वो लोग भी किसी डॉग को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, तो गाइज मुझे बस आपको इतना ही बताना था। तो गाइज, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाइज आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।